नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बना हुआ ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, इस कंपोनेंट को हम बनाएंगे आज क्रियो पैरामेट्रिक 5.0 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। पहले तो मैं इस फाइल को क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने से पहले ये यहाँ से ये प्लेन्स वगैरह ऑन कर देता हूँ और उसके बाद ये स्पिन सेंटर जो है इसे भी ऑन कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ से हम पहले तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ फाइल, और यहाँ से मैंने न्यू पर क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, जब हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो ये स्क्रीन खुलकर सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से न्यू पर क्लिक किया मैंने, अब ये एक लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट में देखिए पार्ट पर जो है ऑलरेडी चेक मार्क है, ये हम रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पर एक चेक मार्क यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पर है, इसे अनचेक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये स्क्रीन खुलेगी। अब यहाँ पर जो ये एक लिस्ट हमारे सामने आ रही है, यहाँ से हम स्क्रॉल से नीचे जाएंगे और MMNS पार्ट सॉलिड पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है हम ये देखिए स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आती है। डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है, प्लेन्स इस तरह से हमें नज़र आएंगे। इसके बाद हम रिवॉल्व पर क्लिक करते हैं। रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद डिफाइन, डिफाइन के बाद ये जो फ्रंट प्लेन है इस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद स्केच पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक करेंगे। तो ये इस तरह घूम कर हमारे सामने आएगा। अब यहाँ पर मैं ये कॉर्नर रेक्टेंगल की मदद से एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये देखिए, एक क्लिक नीचे किया और एक क्लिक ऊपर किया और एस्केप दबाया। इसके बाद ये जो डिस्टेंसेस मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस वाले डिस्टेंस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, इसे यहाँ पर इसे कर देता हूँ 50 और इसे 30 और इसको कर देता हूँ 40। इस तरह से देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ से एक सेंटर लाइन लेंगे। सेंटर लाइन के लिए यहाँ पर क्लिक किया मैंने और एक क्लिक इधर कर दिया। इसकी लेंथ जो है वो इन्फिनिटी है, और सेंटर लाइन एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हमें बनानी है क्योंकि उसके अराउंड हमें इस सेक्शन को रिवॉल्व करना है। अब एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकल आते हैं, यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। तो यहाँ से मैं फिर इसे क्लिक कर देता हूँ इस पर, और अब हम इसके कॉर्नर्स को जो एजेस इसमें नज़र आ रही है उन्हें चैम्फर करेंगे। तो चैम्फर करने के लिए चैम्फर कमांड यूज़ करेंगे। वैसे तो चैम्फर दो तरह का है, इसमें एक कॉर्नर और एक एज चैम्फर। हम कॉर्नर चैम्फर एज चैम्फर यूज़ करेंगे। एज पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हम इस चैम्फर करने से पहले हमें वैल्यू देनी होगी। तो जैसा कि यहाँ पर डी इन टू डी दिख रहा है, यहाँ पर एक ही वैल्यू हमें देनी है। यहाँ पर इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद वैल्यू मैं दे रहा हूँ 5 5 टाइप करके एंटर प्रेस किया। इसके बाद ये जो एज है इस पर क्लिक किया, तो देखिए 5 mm का एक चैम्फर क्रिएट हो गया। यहाँ से ओके किया। दोबारा इसके पीछे वाला जो कॉर्नर है, ये जो एज है इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे चैम्फर। यहाँ पर वैल्यू देंगे 3 और उसके बाद इस एज पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके, इस तरह से ये कंपोनेंट हमें दिखाई देगा। अब यहाँ से हम टाइप करेंगे कंट्रोल के साथ डी, तो ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हमें नज़र आएगा। जिस तरह से हमें कंपोनेंट नज़र आएगा वो ओरिएंटेशन यहाँ पर दिखाई देने लगा। अब हमें इसके आउटर सरफेस पर थ्रेडिंग दिखानी है। तो थ्रेड बनाने के लिए हम हेलिकल स्वीप यूज़ करेंगे। यहाँ से हेलिकल स्वीप पर क्लिक किया, रेफरेंसेस पर क्लिक किया, डिफाइन पर क्लिक किया, और ये प्लेन जो आपको नज़र आ रहा है फ्रंट प्लेन, इस पर क्लिक किया और स्केच पर क्लिक किया। यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। स्केच व्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से ये रेफरेंसेस पर क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये जो एज नज़र आ रही है इस एज पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसका रेफरेंस हमें मिल गया, और यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद पहले एक सेंटर लाइन लेंगे, ये बीच में एक और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन यहाँ प्लेस कर देंगे, और एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकल आए। फिर यहाँ से लाइन ली। अब देखना हमें क्या है कि ये यहाँ इस कॉर्नर से थोड़ी दूर पर यहाँ से लाइन बनाएंगे और ये ऐसे बाहर तक ले जाएंगे। देखिए ये एरो इस तरफ नज़र आ रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा, हम थ्रेड पूरा पीछे तक नहीं जाएगी, यहाँ से थोड़ा हम डिस्टेंस रख लेंगे, और यहाँ से चलिए हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं। मैंने डायमेंशन पर क्लिक किया, एक क्लिक इस पॉइंट पर किया और एक क्लिक इस पॉइंट पर करके इन और स्क्रॉल बटन को पुश कर दिया। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 3.180 से हमने 3 कर दिया।
इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद क्रिएट और एडिट स्वीप सेक्शन पर क्लिक किया। इसके बाद देखिए ये जो दो सेंटर लाइनें हमें नज़र आ रही हैं, यहाँ से पहले मैं स्केच व्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से आया ये जो पॉइंट है इस पर हमें सेक्शन बनाना है। सर्कल पर क्लिक किया मैंने, हालांकि ट्रायंगुलर शेप होनी चाहिए थ्रेड के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर समझाने के लिए आपको एक सर्कल बना दे रहा हूँ। और इसका जो सेक्शन का जो डायमीटर है वो ले ले रहा हूँ मैं 1.5। और यहाँ से जब ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से हमें नज़र आएगा। ओके और यहाँ से पिच जो है ये 4.25 नज़र आ रहा है। पिच के लिए ये 4.25 की जगह मैंने यहाँ पर 3 की वैल्यू दे दी पिच की, तो देखिए ये थोड़ा सा नज़दीक आ गया। अब हमें करना क्या है कि देखिए इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये आधा सर्कल इसके अंदर है, तो जो अंदर सर्कल है यहाँ से हम करेंगे क्या कि ये देखिए ये है रिमूव मटेरियल ऑप्शन। रिमूव मटेरियल ऑप्शन पर क्लिक किया, देखिए आधा सर्कल जो है वो इसके अंदर था, उसने उतना मटेरियल रिमूव कर दिया। तो ये इसके लिए डेप्थ ऑफ कट का काम करेगा, यानी कि ये जो डेप्थ है ये आपकी थ्रेड की डेप्थ है। यहाँ से फिर मैंने ओके पर क्लिक किया, देखिए इस तरह से ये थ्रेड बनकर इसमें तैयार हो गया। कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करने के बाद डी दबाया, देखिए इस तरह से ये डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन हमें दिखाई दे रहा है। अब इसके पीछे हमें एक पॉलीगन बनाना है, तो यहाँ से मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया, इस सरफेस पे जाएंगे, प्लेसमेंट डिफाइन, और ये वाली जो सरफेस है इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद स्केच पर क्लिक किया, और इसके बाद ये ऊपर जो है बार में स्केच व्यू दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक किया। अब देखिए पॉलीगन बनाना है, पॉलीगन के लिए पैलेट पर क्लिक किया, यहाँ पर एक विंडो ओपन होती है आपके सामने, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे। देखिए ये 6-साइडेड हेक्सागन, यहाँ से इसे ड्रैग किया, ड्रैग करा के यहाँ मैंने ऊपर रख लिया। ऊपर यहाँ साइड में रखने की वजह यह है क्योंकि सेंटर यहाँ से मुझे आसानी से नज़र आ रहा है, और यहाँ से क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ऊपर भी चेक मार्क पर क्लिक कर दिया। अब इसे थोड़ा सा जूम करते हैं, देखिए ये एक डिस्टेंस आ रहा है सेंटर से, इस पर डबल क्लिक करके इसे मॉडिफाई करके हम कर देंगे 0। तो देखिए बिल्कुल इस लाइन से टच करने लगा इसका सेंटर। अब डायमेंशन पर क्लिक किया, फिर इस सेंटर पर क्लिक किया, और फिर इस वाले प्लेन पर क्लिक किया, और फिर स्क्रॉल बटन को पुश किया आपने एक बार, देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको शो होने लगा, जो कि दिखा रहा है 7.54। इसे भी हम 0 कर देंगे क्योंकि इस पॉलीगन को हमें सेंटर पर ले जाना है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी पॉलीगन की जो ये साइड्स हैं वो ये जो आउटर सर्कल है इस पर टेंजेंट हो, तो इसे करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे इस पर। तो उसे कैसे करेंगे, देखिए मैंने यहाँ से टेंजेंट, ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है, इस पर क्लिक किया, सेलेक्ट कर लिया। अब पहला क्लिक मैंने किया ये इस एज पर, ये जो बाहर आउटर एज नज़र आ रही है, और दूसरा क्लिक करेंगे इस पर। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये जो डिस्टेंस दे रखा है यहाँ पर 9.99 का, इस वजह से ये खिसक नहीं रहा है, ये ओवर कंस्ट्रेन हो रहा है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। इसे सेलेक्ट करके डिलीट किया, देखिए ये अपने आप ऊपर की तरफ चला जाएगा। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये पॉलीगन की जो साइड्स हैं वो आउटर सर्कल पर टेंजेंट हो गई हैं, ठीक है। अब हम इस पॉलीगन को 30 डिग्री पर रोटेट करेंगे, तो यहाँ से रोटेशन कमांड ये नज़र आ रही है, रोटेट एंड रिसाइज, ये अभी एक्टिव नहीं है। मैं विंडो बना के इस ऑब्जेक्ट को पहले तो सेलेक्ट करता हूँ, पहले तो मैं एस्केप दबा के निकला बाहर, और ये देखिए विंडो बनाई इस ऑब्जेक्ट के चारों तरफ, ये रोटेट रिसाइज एक्टिव हो गया। अब इस पर क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखिए एंगल का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैंने टाइप किया 30 और एंटर प्रेस कर दिया। अब ये देखिए ये 30 डिग्री पर पॉलीगन शिफ्ट हो गया ये आपका, यहाँ से ओके किया। देखिए रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि ये जो टिप नज़र आ रही है ये ऊपर की तरफ हो, अब यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया, इस तरह से देखिए ये दिखाई दे रहा है आपको। अब इसकी जो ये थिकनेस है, ये थिकनेस देनी है हमें कितनी, 50। मैंने यहाँ क्लिक किया, 50 टाइप करके एंटर प्रेस किया, देखिए ये 50 mm की थिकनेस आपको नज़र आने लगी। अब यहाँ से मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। ओके अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिवॉल्व कट हम यूज़ करेंगे, एक खास तरह की शेप हमें बनानी है, तो देखिए कैसे बनेगी। यहाँ से मैंने रिवॉल्व पर क्लिक किया, रिवॉल्व पर क्लिक करने के बाद इसमें
कंट्रोल टाइप, कंट्रोल के साथ डी दबाया, ये देखिए इस तरह से ये वाला टॉप प्लेन ले लिया मैंने, टॉप पर क्लिक किया और यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। देखिए इस तरह से ये आ रहा है, घूम कर दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंस पर गए, ये ऊपर वाली जो ये एज है इस पर क्लिक किया और ये इस वाली एज पर भी क्लिक किया, तो देखिए इन दोनों के रेफरेंसेज हमें मिल गए। क्लोज पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ते हैं, लाइन पर क्लिक किया, अब देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से इस तरफ बढ़ेंगे, एक ऐसे एंगल में आए और ये कनेक्ट कर दिया, इन ये तीन ऑब्जेक्ट्स बने। यहाँ पर मैंने ले लिया 6 mm और ये एंगल जो कि हमें 48 का दिखा रहा है, इसे हम कर देते हैं 45। तो ये जो कॉर्ड लेंथ है ये भी सेम हो जाएगी, ये भी 6 mm हो जाएगी। अब इसके बाद हमें चूंकि रिवॉल्व यूज़ करना है तो सेंटर लाइन बनानी होगी, सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इधर और एक क्लिक यहाँ कर दिया, एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकले, ओके पर क्लिक किया, तो देखिए इस तरह से ये नज़र आएगा हमें। तो हम यहाँ से करेंगे क्या कि मटेरियल रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए ये शेप में बनाना चाह रहा था, ओके जैसे ये शेप नट बोल्ट्स में आपने अक्सर देखी होगी, इस तरह की ये शेप होती है। अब आगे हम इस पर काम करना शुरू करते हैं, मैंने कंट्रोल के साथ फिर डी प्रेस किया, ये देखिए ये रहा हमारे सामने डिफॉल्ट ओरिएंटेशन। ओके अब हम क्या करते हैं कि एक इसे हमें पैटर्न करना है, पैटर्न करने के लिए हमें एक्सेस बनाना है, तो एक्सेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने एक्सेस पर क्लिक किया, देखते हैं ये यहाँ से ये एज ले ली और एक एज ये ले ली, कंट्रोल दबा लेता हूँ मैं, वैसे तो ये जहाँ पर यहाँ से कैंसिल करते हैं, यस वैसे तो एक्सेस वहाँ पर बनता है जहाँ पर दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हों, और यहाँ से मैंने एक्सेस इस पर बनाना है। एक्सेस बनाने के लिए मैं फिर से यहाँ से जाता हूँ एक्सेस पर, कंट्रोल के साथ डी, एक्सेस मुझे चाहिए इस तरह, ओके अब एक्सेस बनाने के लिए प्लेन, प्लेन एक ये ले लिया और एक ये प्लेन ले लेता हूँ मैं, कंट्रोल प्रेस किया हुआ मैंने, लेकिन ये एक्सेस उस तरफ जा रहा है, कैंसिल, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, एक्सेस एक प्लेन ये ले लिया और एक प्लेन ये ले लेता हूँ मैं, इस तरह से देखिए ये एक खड़ा हुआ एक्सेस बन गया, ओके पर क्लिक किया मैंने और इस तरह से देखिए ये एक एक्सेस आपको दिखाई देने लगा। ओके अब देखिए हमें करना क्या है, इसी एक्सेस को हम यूज़ करेंगे कैसे, ये देखिए यहाँ से अब पहले मैं क्या करता हूँ कि एक ग्रुप फॉर्म कर लेता हूँ, यहाँ ये रिवॉल्व पर क्लिक किया, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने, चैम्फर पर क्लिक किया, फिर चैम्फर टू, हेलिकल स्वीप, एक्सट्रूड वन, रिवॉल्व टू तक क्लिक किया और इसके बाद यहाँ पे कहीं पे भी राइट क्लिक किया और देखिए ये क्या है, ग्रुप क्रिएट अ लोकल ग्रुप, मैंने एक ग्रुप बना लिया इस तरह से, देखिए ये सारे फीचर्स इस ग्रुप के अंदर चले गए, जैसे हम इसे एक्सपैंड करेंगे ये फीचर्स आपको नज़र आने लगेंगे। मैंने इसे अभी फ़िलहाल जो है मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ से मुझे इसे पैटर्न करना, पैटर्न करने के लिए मैंने ग्रुप लोकल ग्रुप पर क्लिक किया, पैटर्न ज्योमेट्री पैटर्न, ज्योमेट्री पैटर्न के बाद ये देखिए ये जो एक्सिस आ रहा है ना ये इस पर क्लिक किया, यहाँ से पहले सॉरी एक्सिस पैटर्न देंगे उसके बाद इस एक्सिस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये इस तरह से। अब देखिए चार ऑब्जेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से मैंने ये इस पर क्लिक किया एंगल पर, 360 डिग्री की जगह यहाँ पर 180 कर देंगे, ओके और उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तीन करेंगे और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बनकर आपके सामने आ जाएगा। ओके देखा आपने कितना सिंपल था, कितनी मतलब जो कमांड्स इसके अंदर दे रखी हैं वो इतनी अच्छी हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड शेप जैसी आपको नज़र आ रही थी कितनी आसानी से बन जाती है।
तो आइए अब हम इसमें होल बनाएं। होल बनाने के लिए यहाँ से मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया। एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के बाद डिफाइन, डिफाइन के बाद ये सरफेस है, जो इस सरफेस पर क्लिक किया, स्केच पर क्लिक किया और यहाँ से सर्कल, ये देखिए सेंटर नज़र आ रहा है, सर्कल पर क्लिक किया, फिर सेंटर पर क्लिक किया, ये देखिए सर्कल नज़र आ रहा है, एस्केप दबाया, इसकी जो इसका जो डायमीटर है उसको किया 47 और ओके किया। ओके करने के बाद देखिए इस साइड आ रहा है, यहाँ से मैंने डायरेक्शन चेंज किया और यहाँ से थ्रू ऑल, देखिए थ्रू ऑल एक्सट्रूड टू इंटरसेक्ट विद ऑल सर्फेसेस, ये देखिए यहाँ तक ये अपने आप आर पार इसने होल बना दिया और ओके पर क्लिक किया मैंने। ये देखिए ये मटेरियल यहाँ से रिमूव हो गया, ये होल हो गया इसमें। अब ऐसे हम ऊपर भी बनाएंगे लेकिन ऊपर हम थ्रू ऑल का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे। आइए एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं, प्लेसमेंट पर क्लिक करते हैं, डिफाइन और ऊपर वाली सरफेस देखिए जब ये हाईलाइट हुई इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, अब सर्कल ये रहा सेंटर, बाहर की तरफ क्लिक किया, अब इसका जो डायमीटर है इसे हम कर देंगे 47। 47 करने के बाद ओके, ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे भी हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ये फ्लिप किया, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब यहाँ से ऑप्शन हम लेंगे अप टू नेक्स्ट, अप टू सेलेक्टेड एज, ये भी नहीं, नेक्स्ट एक्सट्रूड अप टू नेक्स्ट सरफेस, ये ऑप्शन लिया। ये देखिए इस तरह से ये होल हो गया, ओके पर क्लिक किया। चलिए अब हम ये कंपोनेंट तो यहाँ से कंप्लीट हो गया, इसका एक बार हम सेक्शन भी काट कर देख लेते हैं। यहाँ से मैंने टाइप ये इस पे व्यू पर क्लिक किया, व्यू पर क्लिक करने के बाद सेक्शन प्लेनर और ये प्लेन सेलेक्ट कर लिया। देखिए इस तरह से इसका सेक्शन ये आपको नज़र आएगा। ओके चलिए यहाँ से कैंसिल पर क्लिक किया, यस। अब हम फिर दोबारा इसका अपियरेंस कैसे चेंज करेंगे वो देखते हैं। चलिए यहाँ से मैंने पार्ट पर क्लिक किया ऊपर और व्यू अपियरेंस, और यहाँ से ये अपियरेंस मैंने देखी, ठीक कॉपर, और यहाँ से प्लेन्स को ऑफ कर दिया, स्पिन सेंटर को भी ऑफ कर दिया। देखिए इस तरह से ये कंपोनेंट हमारा बन के तैयार होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें साथ साथ। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक